इसके बाद आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स एंड आकाश इंस्टीट्यूट, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। पेरेंट्स ने हर टाइम पे मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है। चाहे तो 10वें नंबर पे आपने ये पोजीशन ली, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। आजिक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर बात की जाए नीट टॉपर में, आपने जम्मू कश्मीर में पहली पोजीशन हासिल किया, और अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो 10वें नंबर पे आपने पोजीशन हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे कौन सा राज है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है। जब मैंने स्कोर देखा आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि ऑल इंडिया रैंक 10 आ रही है, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इसके बाद आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स एंड आकाश इंस्टीट्यूट, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। पेरेंट्स ने हर टाइम पे मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है, और जो टीचर्स हैं उन्होंने भी हर टाइम पे सपोर्ट किया, एडवाइसेस या उनकी गाइडेंसेस, मोटिवेशंस वगैरह। तो ये सब फैक्टर्स और इसके अलावा जो अपनी हार्डवर्क, उसी सब को जब हम कंबाइन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी रैंक आई। उन बच्चों के लिए कौन सी मैसेज जो अभी पढ़े लिखे होके भी ड्रग्स कर रहे हैं या मंशियात के आदि बन रहे हैं या जहनी दबाव है उनके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सी मेहनत या माँ बाप का रोल या एडमिनिस्ट्रेशन का रोल या जितने भी समाज में कारकुन हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? उनके लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी इफ़ेक्टिव काउंसलिंग होनी चाहिए उनके पेरेंट्स से, अगर वो अच्छी तरह से एजुकेटेड है, उनके टीचर से, उनके फ्रेंड्स से, और मोरवर जो उनको ये भी चाहिए कि स्ट्रेस वगैरह वो ना ले, और जो स्कूल्स है, कॉलेजेस वगैरह, वहाँ भी टीचर्स समझनी चाहिए कि इन बच्चों पर हम ज़्यादा प्रेशर ना डालें, जिसकी वजह से ये लोग मजबूर हो जाते हैं नारकोटिक्स वगैरह ड्रग्स का यूज़ करने को। हाजिक परवेज, बात की जाए अगर पेंडेमिक की बात करें, पिछले 2-3 साल लगातार जम्मू कश्मीर के लिए कठिन परिस्थितियाँ थी, इसमें भी आपने इस कदर तालीम हासिल की है या इंटरनेट बंद होने की वजह से प्रॉब्लम थी, किस कदर आपने तालीम हासिल की और कैसे आप पढ़ते थे? जी, तो पैंडमिक की वजह से हर किसी को प्रॉब्लम आई, शिफ्ट हुआ ऑफलाइन से ऑनलाइन, और उस टाइम पे यही थोड़ा बहुत ऑनलाइन में थोड़ा बहुत एडजस्ट होना डिफ़िकल्ट था। और इसके बाद भी 2G इंटरनेट था 11th क्लास में, और फिर भी इंटरनेट शटडाउन्स होते थे। लेकिन जब इंटरनेट शटडाउन्स वगैरह होते थे उस टाइम पे भी मैं मतलब अपना पढ़ता रहता था, कभी सेल्फ स्टडी, कभी कहीं से वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिले, उस टाइम पे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंट रहा, मैंने हार्डवर्क कंटिन्यूस रखी और फाइनली अच्छा रिजल्ट मिला। आखिरी